टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के दादर में शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। ये तस्वीरें मुंबई के दादर इलाके की है, जहां शिवसेना के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फटकार मोर्चा निकाला था और राम के नाम पर आपस में ही शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता बीच सड़क पर भिड़ते हुए नजर आए। दरअसल शिवसेना अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में हुए घोटालों को लेकर शिवसेना की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि शिवसेना जानबूझकर आरोप लगा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के मामले में लगातार बोल रही शिवसेना के खिलाफ फटकार मोर्चा निकाला था। ये मोर्चा दादर स्थित शिवसेना भवन के सामने ही पहुंचा था कि पहले से ही शिवसेना के कार्यकर्ता शिवसेना भवन के सामने मौजूद थे। बहरहाल पुलिस का भी भारी बंदोबस्त लगाया गया था, मगर इसके बावजूद बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। वही पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को शिवसेना भवन से थोड़ी दूर पर रोक दिया और फिर उन्हें पुलिस वैन में बिठाकर अपने साथ ले गई। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है, खास करके महिला पदाधिकारियों के साथ मारपीट की है। एक बार फिर महाराष्ट्र में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद घोटाले पर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में घमासान मचा हुआ है, जहां कार्यकर्ताओं के बीच में भी झड़प की खबरें सामने आई हैं।